तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल रुबा तेरे सामने मेरा। एक जमाना था जब विविध भारती के फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम में इस गीत को सुनाने के लिए फरमाइशों पर फरमाइशें जाती थी। मोहम्मद रफी साहब ने इस गीत को महान संगीतकार मदन मोहन के संगीत निर्देशन में फिल्म आखिरी दांव के लिए गाया था। तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का। इस गीत को मदन मोहन द्वारा संगीतबद्ध किए गए उनके टॉप के गीतों में शुमार किया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इतने महान संगीतकार मदन मोहन ने ये संगीत रचना किसी अन्य संगीतकार की धुन से नकल करके तैयार की और इस कारण मदन मोहन को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इस वीडियो में इस गीत से जुड़े विवादों के बारे में विस्तार से बात करने जा रही हूं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल ग्रेट लीजेंड्स। दोस्तों, मदन मोहन की संगीत रचना में रफी साहब के गाए जिस गीत की चर्चा करने जा रही हूँ वो फिल्म आखिरी दांव का है। मेरी जिंदगी का सवाल है तुझे क्या सुनाऊं। इस गीत को पर्दे पर गाया था शेखर ने, जिन्हें शायद ही आज कोई जानता हो। हाँ, इस गाने पर नूतन की अदाकारी आज के अदाकारों के लिए सीखने की चीज है। उनकी बदलती भाव भंगिमाएं नूतन की बेहतरीन अदाकारी के सबूत हैं। मेरी हर खुशी तेरे दम से है मेरी जिंदगी। लेकिन नूतन की शानदार अदाकारी के बावजूद आज इस फिल्म को केवल मदन मोहन की संगीत रचना में मोहम्मद रफी के गाए इसी गीत के लिए याद किया जाता है। इस सदाबहार गीत की धुन मदन मोहन ने अत्यंत टैलेंटेड संगीतकार सज्जाद हुसैन की धुन से नकल करके तैयार की थी। आपको बता दें कि संगीतकार सज्जाद हुसैन ने 1952 में रिलीज हुई फिल्म संगदिल के एक सदाबहार गीत की संगीत रचना की थी। ये हवा, ये रात, ये चांद, इस गीत में राजेंद्र कृष्ण की रोमांटिक शायरी और तलत महमूद की मखमली आवाज का सम्मिश्रण किया गया था। इस गीत को दिलीप कुमार और मधुबाला पर शूट किया गया था। गाने की रिकॉर्डिंग को लेकर कई कहानियां भरी हुई हैं। बताया जाता है कि इसकी रिकॉर्डिंग में साजिंदों से हर बार कुछ न कुछ नुक्स रह जाता था और सज्जाद हुसैन हर बार उसे नए सिरे से रिकॉर्ड करवाते थे। इस नगमे को 17 बार पूरी लंबाई में रीटेक किया गया, तब उन्होंने ओके किया। मगर इसके बावजूद भी वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनके तजुर्बेकार साजिंदे भी सितार और सारंगी के एक टुकड़े को उनकी मर्जी के अनुसार नहीं बजा पाए थे। जब तक सज्जाद हुसैन जिंदा रहे, इस गाने को सुनकर हमेशा यही कहते थे कि जैसा मैं चाहता था सितार नवाज वैसा बजा नहीं पाया। इसी गाने के जादू भरे संगीत से प्रेरणा पाकर संगीतकार मदन मोहन ने फिल्म आखिरी दांव के गीत की रचना की थी, जिसे रफी साहब ने गाया था। तेरे दर्द से रहे बेखबर मेरे दिल की कब ये गाना भी खूब मकबूल हुआ। लेकिन जब सज्जाद हुसैन को इसका पता चला तो उन्होंने इस गीत को अपनी धुन से प्रेरणा के बजाय तर्क की चोरी करार दिया और मदन मोहन से अप्रसन्न हो गए। अक्सर वो संगीतकारों की महफिल में मदन मोहन का सामना होने पर इस बात का शिकवा जुबान पर लाते थे। एक बार उन्हें देखकर बोले कि आजकल तो परछाइयां भी घूमने लगी हैं। एक बार सज्जाद हुसैन जब मदन मोहन से मिले तब उन्होंने लगभग डांटते हुए मदन मोहन से पूछा कि उनकी धुन की नकल करने की हिम्मत कैसे हुई। मदन मोहन ने भी बात संभालते हुए कहा कि बाकी के संगीतकारों की इतनी शानदार कोई भी धुन नहीं है जिसकी नकल की जाए। फिल्म संगीत की दुनिया में हर किसी को पता था कि उस्ताद सज्जाद हुसैन संगीत के क्षेत्र में जितने उच्च स्तर के कलाकार थे उतने ही गुस्से वाले भी थे।
उनकी तबीयत की तेजी उनकी कलात्मक योग्यताओं पर हावी हो गई और फिल्म उद्योग में उन्हें काम मिलना कम होता गया। परिणाम स्वरूप उनके जीवन का अधिकतर समय घर पर खाली बैठे गुजरा। अपनी योग्यता के आधार पर फिल्म उद्योग में वो जिस सम्मान और स्थान के हकदार थे, दुर्भाग्य से वो उन्हें नहीं मिल पाया और इसका सबसे बड़ा कारण उनका गुस्सैल स्वभाव था। ये बात बहुत मशहूर है कि वो तलत महमूद को गलत महमूद और किशोर कुमार को शोर कुमार कहते थे। लता मंगेशकर से गाना रिकॉर्ड कराते वक्त व्यंग्य करते थे कि ये नौशाद मियां का गाना नहीं है, इस गाने में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार गायिका मीना कपूर से गाने की रिहर्सल कराते समय लता से बोले कि इस छोटी सी लड़की से गाना सीखो, ये कितना अच्छा गाती है। इन बातों के कारण लता से उनके संबंध कुछ समय तक तनावपूर्ण रहे। निर्माता एस मुखर्जी किसी नई फिल्म के संगीत के लिए उन्हें अवसर देना चाहते थे, मगर कई बार बुलवाए जाने के बावजूद अपने स्वाभिमान के कारण वो मुखर्जी के दफ्तर में मिलने नहीं गए। मुंबई की माया नगरी में अगर किसी उस्ताद को कीमियागिरी का नुस्खा मालूम था तो वो संगीतकार सज्जाद हुसैन थे। उन्होंने जिस फिल्म को भी अपने सुरेले संगीत से सजा दिया, वो इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो गई। हालांकि अपने 34 वर्षीय फिल्मी सफर में उन्होंने सिर्फ 18 फिल्मों में ही संगीत दिया और लगभग 100 गीतों की रचना ही कर पाए, मगर उनकी कला का स्तर इतना ऊंचा था कि इतनी कम संख्या भी अपने समकालीन और बाद में आने वाले दिग्गज संगीतकारों के सैकड़ों गीतों पर भारी रहेगी। उनकी संगीत रचनाओं का जितना संकलन आज उपलब्ध है, वो उनकी कलात्मक ऊर्जा और व्यवसायिक क्षमताओं की तुलना में न के बराबर है। यदि उन्हें अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार काम करने का अवसर मिला होता तो उन्होंने फिल्म संगीत का दामन अपनी कला के रंगारंग फूलों से भर दिया होता और कला प्रेमियों के लिए संगीत के अथाह खजाने छोड़ गए होते। तो दोस्तों, मदन मोहन की संगीत रचना, सज्जाद हुसैन की संगीत रचना में गाए दोनों गीतों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए